ये कहानी है इंसानों की चर्बी खाने वाले मॉन्स्टर की, जो कि कुछ ही पलों में इंसान की सारी चर्बी खाकर उसे खत्म कर देता है। और इसके कारण शहर में कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आपको ये जरूर जानना चाहिए। तो कहानी शुरू होती है एक मोटे से आदमी से, जिसने अभी अभी सबसे ज्यादा हॉट डॉग खाने का कॉम्पिटिशन जीता है, जिसके लिए उसे $1,000 का इनाम दिया जाता है। जीतने के बाद ये अपनी कार में जाकर बैठता है, लेकिन तभी उसके बैक साइड से एक अनजाना जीव आता है और उस पर अटैक कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इसका शरीर तेजी से पतला होने लगा है और थोड़ी ही देर में ये पूरी तरह से चूसे हुए आम की तरह हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि डीन और सैम नाम के दो पुलिस ऑफिसर, जिनको ये बात पता चलती है, तो ये दोनों तुरंत ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। जांच पड़ताल में इन दोनों को पता चलता है कि जो मरा है उसका वजन पहले 180 था, लेकिन उसके मरने के बाद सीधा 40 किलो हो गया है और उसके इंटरनल ऑर्गन्स भी डैमेज हो चुके थे। अगले दिन हम ऐसे ही एक दूसरी घटना को देखते हैं, जहां पर एक एक्सरसाइज कर रही औरत पर पीछे से कोई हमला कर देता है और उसका वजन भी तेजी से कम होने लगता है। इस बार भी मॉन्स्टर के द्वारा उस औरत का सारा फैट चूस लिया जाता है, जिससे उस औरत की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। जब यहाँ पर वो दोनों ऑफिसर्स आके देखते हैं तो उस औरत के शरीर पर एक मार्क दिखता है, जहाँ से उस औरत का सारा फैट चूसा गया था। वे लोग जब उस औरत की ट्रेनर से बात करते हैं, तो बात करने के दौरान ये दोनों नोटिस करते हैं कि उस ट्रेनर के पीठ पर भी बिल्कुल वैसा ही निशान होता है। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि ऐसा ही निशान इसके पास होने के बावजूद भी ये अभी तक जिंदा कैसे है। जब ये दोनों उस ट्रेनर से पूछते हैं तो वो बताती है एक रहस्यमय स्पा के बारे में, जो कि दावा करता है कि बिना डाइटिंग किए वो लोगों को पतला करते हैं, यानी कि लोगों का वजन घटाते हैं, और ट्रेनर के शरीर का निशान भी उस स्पा में जाने के कारण आया था। अब ये दोनों फैसला करते हैं कि बेस बदल कर ये दोनों उस स्पा में नौकर की तलाश में जाएंगे, जिससे किसी को भी शक नहीं होगा कि ये दोनों यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए हैं। ये दोनों यहाँ पर बताते हैं कि हम पर्सनल ट्रेनर्स हैं, जो यहाँ पर नौकर की तलाश में आए हैं। ये दोनों यहाँ पर आते हैं तो स्पा के ओनर लैरी और मरीजा इन दोनों का इंटरव्यू लेते हैं और वो इन्हें बताते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक ही ट्रेनर की जगह खाली है, इसलिए सैम को यहाँ पर ट्रेनर बना दिया जाता है और डीन को यहाँ पर शेफ का काम मिलता है। इसके बाद खाना बनाने के दौरान जब डीन को भूख लगती है तो वो सामने पड़ी पुडिंग खाता है, जो कि बहुत टेस्टी होती है। इसी की वजह से ये और खाता है और एक डब्बा अपने जेब में भी रख लेता है। थोड़ी देर बाद इसको चक्कर आने लगता है और वो वही बेहोश होकर गिर जाता है। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर सैम योगा सिखा रहा है और योगा सिखाते सिखाते ये नोटिस करता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनके पीठ पर वही निशान है जो कि उन लाशों पर था। इसी दौरान मरीजा अपने क्लाइंट के ऊपर कपिंग थेरेपी कर रही होती है। ये बताती है कि ये एक चाइनीज थेरेपी है, जिससे कि वजन भी कम होता है, और इस थेरेपी को करने के कारण लोगों के शरीर पर ऐसे निशान पड़ जाते थे। लेकिन तभी पता चलता है कि ये थेरेपी तो सिर्फ एक बहाना था, असल में निशान तो मरीजा के द्वारा चर्बी को खाने से बन रहा था। इसके बाद जब योगा क्लास खत्म होती है तो सैम को उसी के स्टेशन के एक पुलिस ऑफिसर मिलती है, जो कि सैम को पहचान जाती है। इन दोनों की बातें करने के दौरान लैरी को सैम पर शक हो जाता है। इसके बाद जब सैम किचन में जाता है तो वो देखता है कि डीन बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़ा हुआ है। उसके सामने पड़ी पुडिंग को देखते हुए सैम समझ जाता है और सबसे पहले बावर्ची के पास जाता है। पहले तो बावर्ची कुछ भी नहीं बताता, लेकिन जैसे ही सैम उसकी अच्छी तरह से खातिरदारी करता है वो तुरंत ही अपना मुंह खोल देता है। वो बताता है कि सभी क्लाइंट को कपिंग थेरेपी से पहले ये पुडिंग दी जाती है और वो इसमें लैरी और मरीजा के कहने पर बेहोशी की दवाई मिलाता है। इसके बाद इन दोनों को लगता है कि शहर में हुए हादसों का कारण लैरी और मरीजा ही है। यहाँ दूसरी तरफ लैरी और मरीजा को भी पता चल जाता है कि सैम और डीन पुलिस ऑफिसर हैं। ये जानने के बाद लैरी और मरीजा अपने आप को बचाने के लिए सभी सबूतों को मिटाने के लिए लग जाते हैं। मरीजा जल्दी से जाकर फ्रिज में से इंसानी चर्बी से भरे हुए डिब्बे कूड़ेदान में फेंकने लगती है, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि ऐसे ही चर्बी को कूड़ेदान में फेंकने से उसका वेस्ट हो जाएगा, और इसीलिए वो जैसे ही चर्बी को खाने के लिए अपनी जीभ बाहर निकालती है तभी वहाँ पर सैम आ जाता है और उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। इसके बाद सैम उसे कुर्सी पर बांध कर पूछताछ करना शुरू कर देता है, जहाँ पर वो बताते हैं कि वो एक पिस्ताको है, यानी कि एक पेरोबियन फैट सकर। वो बताते हैं कि वो इंसानों का फैट चूस कर उनका वजन घटाने में हेल्प करती है और साथ ही चर्बी खाने से उनका पेट भी भर जाता है। शहर में हुए हादसों के बारे में पूछने पर वो बताते हैं कि उसने आज तक किसी इंसान को नहीं मारा। वो बताते हैं कि इन सारी घटनाओं का कारण उसका भाई एलांजो है,
जो कि अपनी भूख कंट्रोल नहीं कर पाता। एलोंजो की ये सारे कांड जानने के बाद लैरी उसे नौकरी से निकाल देता है। उसके बाद तुरंत ही उसको यहाँ से जाने के लिए कहता है। इसके बाद जैसे ही सैम उसको ढूंढने के लिए जाता है, किचन से एक चिल्लाने की आवाज आती है। वो तेजी से अंदर जाता है तो देखता है कि एलोंजो लैरी को मार कर वहाँ से भाग गया है। जब मरीजा को पता लगता है कि उसके भाई ने उसके पति को मार दिया है तो वो दुखी होकर रोने लगती है, क्योंकि वो और उसके पति ने बहुत सारे सालों की मेहनत के बाद ये स्पा बनाया था, जिसमें वो किसी भी इंसान को बिना तकलीफ पहुँचाए उनका वेट लॉस करने में मदद करते थे, जिससे उनकी भूख भी शांत हो जाती थी। इस कार्य में सभी का फायदा होता था। दरअसल इन्होंने कसम खाई थी कि ये किसी भी इंसान को हानि पहुंचाए बिना उनका वेट लॉस करेंगे और जितना चाहिए उतना ही फैट को खाएंगे। लेकिन एलोंजो इनके जैसा बिल्कुल नहीं था। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता था और इंसान का सारा फैट खा जाता था, जिससे उस इंसान की मौत हो जाती थी। ये देखकर इन्होंने एलोंजो को किचन का काम दे दिया और उसे सिर्फ डिब्बे वाला फैट ही खाने को दिया। लेकिन इससे भी ये खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और शहर के सारे मोटे लोगों को खाना शुरू कर दिया। अब एलोंजो किसी और मासूम को ना मारे इसलिए मारीजा ने उसके सिगरेट अड्डे का पता इन दोनों को बता दिया, जिसके बाद दोनों ऑफिसर टॉर्च और हथियार के साथ उसके अड्डे पर पहुंच जाते हैं। ये दोनों अलग होकर एलोंजो को ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी एलोंजो सैम के पीछे से उस पर अटैक कर देता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। सैम अपने आप को बचाने के लिए चाकू से हमला करता है, लेकिन एलोंजो अभी भी उस पर भारी है। और वो जब अपनी जीप को निकल कर जैसे ही सैम को मारने ही वाला होता है, तभी डीन वहां पर आ जाता है और चाकू से उसकी जीप को पकड़ कर काट देता है, जिससे कि सैम भी बच जाता है। जीप के कटने के बाद एलोंजो की भी वहीं पर मौत हो जाती है। हालांकि मारीजा भी एक मॉन्स्टर तो थी, लेकिन आज तक उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था, इसलिए इन दोनों ने उसको छोड़ने का फैसला कर दिया। दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका शुक्रिया।